संसद के मानसून सत्र का आज पांचवा दिन है। मणिपुर मुद्दे पर कांग्रेस और बीआरएस ने अलग अलग सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसे स्वीकार भी किया। कांग्रेस का कहना है कि सरकार के ऊपर से लोगों का भरोसा टूट रहा है, हम चाहते हैं कि पीएम मोदी मणिपुर पे बोले, ऐसे में हमने अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने 9:20 पर लोकसभा में सेक्रेटरी जनरल के दफ्तर में नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस दिया। यह प्रस्ताव 10 से पहले लाया जाता है। किसी सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सांसदों के समर्थन की जरूरत होती है। दरअसल मणिपुर में 3 से हिंसा जारी है। मणिपुर में हिंसा के मुद्दे पर मानसून सत्र भी गरमाया हुआ है। विपक्ष इस मुद्दे पर पीएम मोदी के सदन में बयान और विस्तृत चर्चा की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के साथ अल्पकालिक चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर पीएम मोदी के बयान पर अड़ा है। ऐसे में संसद के दोनों सदनों में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ है। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसे ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com।